नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा विद सूजी। उसके लिए हमें चाहिए नमक, लाल मिर्च, ब्रेड दो पीस और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर छोटे छोटे स्लाइस किए हुए और बारीक कटा हुआ प्याज। गार्निश के लिए टमाटो सॉस, थोड़ा सा दूध, बैटर के लिए मलाई और सूजी और थोड़ा सा तेल इसको फ्राई करने के लिए। अब हम बनाएंगे, इसमें हम 4 चम्मच सूजी के लेंगे, 5 चम्मच मलाई डालेंगे। इसका ऑप्शनल एक भी हो सकता है, अगर आप दही डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं। 5 चम्मच मलाई डाल के इसमें हम इस बैटर को मिलाएंगे ताकि हमारा बैटर स्मूथ हो जाए। अगर हमारा बैटर पूरा स्मूथ नहीं होता तो हम इसमें थोड़ा दूध ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच शिमला मिर्च के मिलाएंगे। अब इसके बाद 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज मिलाएंगे। अब 2 चम्मच टमाटर कटा हुआ मिलाएंगे। अब 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डलेगा इसमें, और लाल मिर्च जो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें। अब इस बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हमारी ये पेस्ट स्मूथ बननी चाहिए। अब हम 2 ब्रेड स्लाइस लेके 2 चम्मच बड़े बड़े इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगाएंगे, इसको इवनली उसके पूरे कोनों की तरफ फैला लेंगे ताकि ये पूरा कोनों में अच्छी तरह लग जाए हमारा ये बैटर। बैटर हमारा कितना कलरफुल लग रहा है, वाइट में रेड ग्रीन, जो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों स्लाइस पे हम इस बैटर को इवनली मिला देंगे। इवनली स्प्रेड हो जाएगा ये हमारा बैटर। अब हम गैस पे तवा रख के उसको पहले गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल इस पे लगाएंगे। इसे हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, ताकि हमारी सेहत के लिए भी ये अच्छा हो। इसकी दोनों साइड को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हमारा ऑयल भी कम लग रहा है और हेल्दी भी है हमारी सेहत के लिए। बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगता है इसमें, ज़्यादा नहीं। अब दोनों साइड से हम इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे, बड़े अच्छे हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी टोस्ट ये बन जाएंगे। ये झटपट तैयार होने वाला सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट है ये। अब हमारे ब्रेड पीस तैयार हो गए हैं। अब हम इनको तवे से हटा के इनको कट कर देंगे।
दो भागों में। अब इनकी क्रिस्पीनेस देखिए कितने क्रंची बन रहे हैं ये। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होते हैं, इसमें सारी सब्जियां हैं, जो बच्चे सब्जी नहीं खाते उनके लिए भी बहुत हेल्दी है ये।